ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे बॉब सूट को सेटअप कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम सारे वल्नरेबिलिटीज़ को देखेंगे। सो बॉब सूट एक प्रॉक्सी टूल है एंड इससे हम जनरली जो ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड होती है, जो रिस्पॉन्स आता है एंड कैसे पूरे वेबसाइट वर्क होती है, वो सब हम एनालाइज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर जाइए एंड यहाँ पर बॉब सूट टाइप करें। सो आपको ऐसे एक विंडो आएगी, क्लिक ऑन ओके। एंड अगर ओपन ना हो तो फिर से एक बार आप बॉब सूट पर ऐसे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। एंड कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो जैसे बॉब सूट है, तो कई बार ऐसा होगा कि कोई वार्निंग आ जाएगी, नहीं होगा हैज़ नॉट फुल्ली टेस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू मे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। ओके सो अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड आप देख सकते हो कि मैंने थर्ड टाइम अभी ये ओपन किया तो अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो अगर आपको सेम ऐसा हो कि कई बार एक दो बार ओपन करने से भी बॉब सूट ना ओपन हो, तो कोई बात नहीं है, ये नए वर्जन में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि लाइक बॉब सूट है जो पुराने जावा वर्जन था GRE 1.8, उस टाइम पे बिल्ड हुआ था एंड अभी लेटेस्ट GRE 1.12 समथिंग वर्क कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप नेक्स्ट करें एंड यहाँ पे यूज़ बॉब डिफ़ॉल्ट एंड स्टार्ट बॉब। ऐसा कोई हो तो इसको आई डिक्लाइन कर दो। सो अभी बॉब सूट स्टार्ट हो रहा है। ओके एंड आप देख सकते हो ये बॉब सूट का डैशबोर्ड है एंड ये काले लिनक्स के अंदर है। आप सेम बॉब सूट उसकी वेबसाइट के थ्रू विंडोज़ के लिए या मैक ओएस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको मेन सिस्टम में टेस्ट करना हो तो। पर अभी हम सब काले लिनक्स में कर रहे हैं और उसमें बिल्ड इन आता है। सो ये बॉब सूट है एंड यहाँ पे ये प्रॉक्सी मोड है, इंटरसेप्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे इंट्रूडर है, यहाँ पे डिफरेंट अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं, रिपीटर पे टेस्टिंग कर सकते हैं, सिक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरर, लॉगर, एक्सटेंडर। फिर अगर आप यहाँ पे BA स्टोर में जाओगे तो ये सारे एक्सटेंशंस मिलेंगे, 403 बाईपास, फिर एक्टिव स्कैन प्लस, फिर कॉपी एज नोड रिक्वेस्ट एंड बहुत सारे एक्सटेंशंस भी है। आप ये भी आप देख सकते हो कि इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये सब अभी हम जैसे जैसे आगे की लैब्स वगैरह करते जाएंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉक्सी क्या है, इंट्रूडर क्या है, रिपीटर क्या है, ये सब के। अभी हम सेटअप करते हैं तो आप क्या करो, यहाँ पर ऑप्शन में जाओ तो आपको दिख रहा होगा कि ये रनिंग है एंड कौन सा है, तो 127.0.0.1:8080, यानी अभी ये 8080 पोर्ट है उसके ऊपर ये बॉब सूट का प्रॉक्सी सर्वर रन कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाए, फिर यहाँ पे प्रॉक्सी सर्च करें तो आपको नेटवर्क सेटिंग में आ जाएगा कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी। यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी करें एंड यहाँ पे 127.0.0.1 एंड पोर्ट जो वहाँ पे लिखा था 8080 एंड ऑल्सो यूज़ दिस फॉर FTP नेट TTPS एंड ओके पर क्लिक करें। तो अभी क्या होगा, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करो, इंटरसेप्ट में जाओ और इसको ऑन कर दो। और अभी अगर मैं google.com सर्च करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे आ गया कि अभी ब्राउज़र जो है वो होस्ट यानी कि google.com का रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है गेट रिक्वेस्ट डेटा के लिए। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डू इंटरसेप्ट में जाके रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट करता हूँ एंड फॉरवर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने मेरे को रीडायरेक्ट किया http://www.google.com पे। फिर आप इसको ऐसे फॉरवर्ड कर सकते हो, आप एक 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 रिक्वेस्ट देख सकते हो कि रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है एंड ऑल। एंड अभी क्या है कि आपको ऐसे एरर आ रही होगी कि वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर,
आपको क्या करना है, नया ब्राउज़र ओपन करें, https://burp एंड एंटर करें। तो ये CA सर्टिफिकेट होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसको सेव करना है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपके जो डाउनलोड्स वाला सेक्शन होगा उसमें सेव हो जाएगा। सो अगर आप डाउनलोड्स ओपन करते हो तो ये आपको सर्टिफिकेट दिखेगा। तो अभी आपको ये सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा व्यू सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें, एंड डाउनलोड पे ये जो है सर्टिफिकेट उस पर चले जाए। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ट्रस्ट इस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, ट्रस्ट इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई ईमेल एड्रेस, एंड क्लिक ऑन ओके एंड ओके। तो अभी अगर आप विजिट करोगे कोई भी वेबसाइट तो देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल लोगो ही आएगा, यानी कोई भी वार्निंग ऐसा कुछ नहीं आएगा। एंड अभी ये इंटरसेप्ट मोड ऑफ किया है, इंटरसेप्ट मोड ऑफ है तो क्या होगा कि कोई भी वेबसाइट कुछ भी हो ना तो आप इजीली ब्राउज कर पाओगे, लाइक रिक्वेस्ट सारी मेजर होगी, कैप्चर होगी, पर कहीं पे भी ऐसा आएगा नहीं। पर अगर मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा, एक एक रिक्वेस्ट मेरे को दिखेगी, फिर मेरे को ये एक एक रिक्वेस्ट देख के फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अच्छा ऐसा है, एंड देन अगर ख़त्म हो गई एंड मेरे को एक एक रिक्वेस्ट ना, तो मैं क्या करूँगा, इंटरसेप्ट ऑफ कर दूँगा। एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल लोगो आ रहा है एंड कनेक्शन सिक्योर आ रहा है, क्योंकि हमने ये बर्प का जो सर्टिफिकेट था वो हमने ऐड कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल अगर test1 HTML5, एंड अगर आपको ये सारे रिक्वेस्ट देखने, तो आप इंटरसेप्ट पे देख सकते हो कि ऐसे रिक्वेस्ट जा रही है, एंड मेरे को एक एक फॉरवर्ड करनी हो तो कर सकता हूँ ताकि आपको रिक्वेस्ट पता चले, एंड नहीं करनी हो तो इंटरसेप्ट ऑफ कर दूँगा। एंड आप अगर ये वेबसाइट विजिट करते हो अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड इंटरसेप्ट ऑन करके मैं लॉगिन पे क्लिक करके एडमिन, एंड पासवर्ड भी फॉर एग्जांपल कोई भी एडमिन करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो देखो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है test.html5.oneweb.com को /login वाले पेज से, एंड यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन है। तो आप ये सब डिटेल देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डू इंटरसेप्ट पे जाके रिस्पॉन्स दिस रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड ये फॉरवर्ड कर देता हूँ, सेंड कर, तो आपको दिखेगा कि 302 फाउंड ओके, एंड आपको रीडायरेक्ट कर रहा है ये वाली वेबसाइट पे। सो हम आगे की जो सारी लैब्स होगी उसमें हम सब देखेंगे कि कैसे ये पूरा वर्क होता है, कैसे हम सारे इसका डिफरेंट जो सिक्वेंसर है या फिर रिपीटर है या इंट्रूडर है, उस सबका यूज़ करके हम लोग बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बर्प सूट का सेटअप, एंड अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो या मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, ये सेटअप सेम ही है सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो अगर आपको आपके काले लिनक्स में ये सेटअप ना करना, तो आप सेम टू सेम अपने मैक ओएस में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैक ओएस में भी किया हुआ है बर्प सूट का, तो आप सेम टू सेम विंडोज़ में भी कर सकते हो। एंड अगर आपको आपके सेटअप चाहे ये बर्प सूट काले लिनक्स में ओपन हो, पर जो ब्राउज़र हो वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो कि जो सेम नेटवर्क में, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड में जाके एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में जाके आप नेटवर्क चेंज कर सकते हो, आपका 192 डॉट समथिंग, एंड यहाँ पे कोई और पोर्ट फॉर एग्जांपल 11111 एंड ओके कर सकते हो, तो वो पोर्ट पे भी लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके आपके ऊपर है, आपको जैसे करना हो आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे सारे वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, और वो भी जो हमारा DBWA की लैब थी मेटास्प्लोइटेबल की, उसके अंदर सब बग्स देखेंगे।